हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे बजट 2024 के बारे में। तो जैसे आपको पता है, इस साल इलेक्शन हुए थे, तो इस बार हमारे इंडिया में दो बार बजट प्रेजेंट हुआ। एक बार जो नॉर्मली फरवरी में किया जाता है, दैट वाज इंटरिम बजट, जो बजट सिर्फ तब तक ऑपरेटिव है जब तक नई सरकार नहीं बन जाती। तो अब क्योंकि इंडिया में नई सरकार बन चुकी है, तो दोबारा से पूरे साल के लिए बजट प्रेजेंट किया गया है। तो इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज कि निर्मला सीतारमन, जो पिछले टेन्योर में भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, अब वो इंडिया में 7 बार बजट प्रेजेंट कर चुकी हैं। एक तो वो हमारी इंडिया की फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उसी कैटेगरी में वो मैक्सिमम टाइम बजट प्रेजेंट कर चुकी हैं। अगर हम ओवरऑल कैटेगरी में बात करें, तो इंडिया में अब तक का मैक्सिमम टाइम बजट प्रेजेंटर है मोरारजी देसाई, जो 10 बार बजट प्रेजेंट कर चुके हैं। तो अगर ये 5 साल के लिए भी निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर रहती हैं, तो प्रोबेबली वो मैक्सिमम टाइम बजट प्रेजेंटर का रिकॉर्ड ब्रेक कर ही देंगी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं बजट के बारे में। सबसे पहले आई विल गिव यू अ ग्लिम्स अबाउट बजट के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ताकि आप इजीली उन चीज़ों को समझ पाएं। सबसे पहले बजट के हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। बजट के जो फर्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं रेवेन्यू बजट, एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज व्हाट वी कॉल इज कैपिटल बजट। एक सिंपल सेंस में रेवेन्यू ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती हैं जो एसेट एंड लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालती हैं, और कैपिटल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती हैं जो हमारी एसेट या फिर लाइबिलिटी दोनों में से किसी ना किसी चीज़ को इफेक्ट करती हैं। तो एक बेसिक सी और चीज़ है जो आप अभी समझ लीजिए कि इनकम एंड रिसिप्ट में डिफरेंस होता है। इनकम मतलब वो पैसा जो आपने कमाया, जिसके बदले में आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, लेकिन रिसिप्ट का मतलब है पैसा आना, चाहे वो लोन का पैसा है, चाहे आपने कमाया हुआ पैसा है, चाहे फ्री से कहीं से मिल रहा है, दैट ऑल कंबाइंस टू रिसिप्ट। तो बजट में हमेशा हमारा एक्सपेंडिचर और हमारा रिसिप्ट इज ऑलवेज इक्वल, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बराबर हो। और वहीं से कॉन्सेप्ट आता है डेफिसिट इन बजट, जो हम नेक्स्ट समझेंगे। तो रेवेन्यू बजट में दो तरह की चीज़ें आएंगी, फर्स्ट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सरकार का रोज़मर्रा का खर्चा, जो सरकार को बार बार करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीज, पेंशंस एंड सब्सिडीज। इनसे ना तो कोई एसेट बिल्टअप होता है, ना लाइबिलिटी पर कोई भी इम्पैक्ट आता है। सेकेंड इज़ आर रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब बार बार सरकार को मिलने वाला पैसा, जो ना एसेट लाइबिलिटी में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता है। तो ब्रॉडली हम रेवेन्यू रिसिप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है टैक्स। टैक्स भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज। डायरेक्ट टैक्सेज मतलब जिस पे टैक्स लगा सरकार को पे भी वही करेगा, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेज मतलब पे आपने किया लेकिन सरकार को कोई और पे कर रहा है। आपने मार्केट से कुछ खरीदा जिस पे आपने जीएसटी पे किया, जीएसटी आपने पे किया लेकिन सरकार को शॉपकीपर पे करेगा। तो दैट इज़ द इनडायरेक्ट वे ऑफ टैक्सेस। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं, जैसे कि जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल दीज। तो ये तो हो गया हमारा रेवेन्यू वाला पार्ट। बात करते हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट फ्लाईओवर्स बनाती है, हाईवेज बनाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, दैट इज़ ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब अगर सरकार 1 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, तो आने वाले कुछ सालों में वो इकोनॉमी में मल्टीप्लाई हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इनकम। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़ है कैपिटल रिसिप्ट। अब जो कैपिटल के फॉर्म में सरकार के पास पैसा आता है, वो दो तरह का होगा, या तो वो डेट कॉजिंग होगा या फिर वो नॉन डेट कॉजिंग होगा। डेट कॉजिंग मतलब सरकार के पास पैसा आया जो कि उधार का पैसा होगा, जैसे कि सरकार ने लोन ले लिया। नॉन डेट मतलब पैसा आया, वन टाइम आएगा, लमसम में आएगा, दोबारा नहीं आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस इन्वेस्टमेंट। सरकार ने मान लीजिए अपनी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को बेच दिया, सरकार ने अपनी किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को किसी प्राइवेट बंदे को बेच दिया, तो वो उनका एसेट कम हो गया लेकिन उनके पास लमसम में पैसा आ गया। दैट इज़ व्हाट इज़ वी कॉल्ड नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, जो इंडिया में बहुत ही कम रहती हैं। दिस इज़ ओनली 1-2% ऑफ द टोटल बजट। इस बार जो हाईलाइटेड एक चीज़ है, वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में वो पैसा आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ़ाइन पे किया,
आपने कोई फीस पे की गवर्नमेंट को, या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का जो प्रॉफिट होता है, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट. नाउ द हाईलाइटेड पार्ट इज दिस, पिछले पूरे साल में आरबीआई ने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड ट्रांसफ़र किया है, जो अब तक का हाईएस्ट एवर डिविडेंड है जो आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है. तो वो इतना सारा जो लमसम अमाउंट गवर्नमेंट के पास आई, उसकी वजह से गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है. आगे हम डिस्कस करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कंपेरिजन को. मान लीजिए आप एक महीने में 50,000 रुपये कमाते हैं और आप 50,000 ही स्पेंड भी कर देते हैं, तो आपका बजट क्या हुआ? आपका बजट हुआ बैलेंस्ड बजट. आप जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्चा कर रहे हैं. अब एक और एग्जांपल देखिए कि आप 50,000 कमा रहे हैं लेकिन आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 60,000 का, तो आपके पास 10,000 रुपीज़ का डेफिसिट हुआ. वो 10,000 या तो आप कहीं से बोरो करेंगे या अपनी कोई चीज़ बेचेंगे. तो सरकार भी बेसिकली इसी कंडीशन में यही करती है. इंडियन गवर्नमेंट पहले डिसाइड करती है, पूरी दुनिया में बजट के लिए पहले डिसाइड किया जाता है कि कितना एक्सपेंडिचर होगा, फिर उसके हिसाब से अपनी इनकम को कंपेयर करके डेफिसिट निकाला जाता है. जितना पैसा हर साल हमें बोरो करना पड़ेगा अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, दैट इज़ व्हाट इज़ वी कॉल फिस्कल डेफिसिट. ठीक है. और अगर मान लीजिए एक अनकॉमन सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें आपकी इनकम है 50,000 लेकिन आप स्पेंड सिर्फ 30,000 कर रहे हैं, तो 20,000 आपके पास सरप्लस हो जाएगा. ये चीज़ आपके इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कॉमन हो सकती है लेकिन कंट्री लेवल पर ये चीज़ अचीव करना बहुत मुश्किल होता है. दुनिया में सिर्फ कुछ ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे जापान या कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जो कई बार बैलेंस्ड या सरप्लस बजट बनाने में सक्सेसफुल हुई हैं. अदरवाइज 90% ऑफ द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड मेक डेफिसिट बजट. अब डेफिसिट बजट में ये चीज़ मैटर करेगी कि आप पैसा उधार ले किस चीज़ के लिए रहे हैं. अगर आपने पैसा उधार लिया और उनको रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर पे लगा दिया, आपने फजूल में सब्सिडीज़ में पैसा देना शुरू कर दिया, पेंशन्स में पैसा देना शुरू कर दिया, स्कीम्स में पैसा देना शुरू कर दिया, तो वो वेलफेयर परस्पेक्टिव से तो अच्छा होगा लेकिन गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से वो हेल्दी बजट में कंसिडर नहीं किया जाएगा. वही पैसा अगर आप बोरो करके किसी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर में लगाते हैं तो वहाँ लगाने से आपका इनकम जनरेशन होगा जो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बेनिफिशियल होगा. तो नॉर्मली जो डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनको पैसा बोरो करना पड़ता है रेवेन्यू नेचर के खर्चे पूरे करने के लिए, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड हेल्दी. और वहीं दूसरी तरफ डेवलप्ड कंट्रीज़ जो पैसा बोरो करती हैं वो बोरो करती हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर के लिए, विच इज़ कंसिडर्ड वेरी हेल्दी. तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, एंड ऑल्सो इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ कि आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है. वो हमें उसके नेचर ऑफ फिस्कल डेफिसिट से आइडिया लग जाता है. अब हम बात करते हैं इस साल के बजट की आइडियोलॉजीज़ के बारे में. 2-3 साल से मोदी गवर्नमेंट एक बात कह रही है कि इंडिया में सिर्फ 4 ही कास्ट हैं. वो 4 कास्ट क्या हैं? अन्नदाता, हमारे फार्मर्स, गरीब, पुअर, महिलाएं, वमेन एंड युवा यूथ. तो बेसिकली सरकार का कहना है कि इंडिया में कोई जाति पाति नहीं है, इंडिया में सिर्फ 4 ही कास्ट हैं और वो ये 4 कास्ट हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस साल के बजट का हमारा थीम क्या था. तो बजट का इस साल का थीम जो है वो 4 चीज़ों के अराउंड घूम रहा है जिनमें से 3 चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है. फर्स्ट थिंग इज़ एम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज़ स्किलिंग एंड थर्ड इज़ MSMEs. अब आपको पता है इलेक्शन होने से पहले बहुत ज़्यादा एक हाईलाइटेड चीज़ बन गई थी इंडिया में कि इंडिया में इतनी यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. तो इस बार के बजट का गवर्नमेंट का मेन फोकस रहा है अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के ऊपर. तो अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड गवर्नमेंट एक तो कुछ स्कीम्स लेकर आई है. सेकेंड थिंग, इंडिया में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यूथ अनएम्प्लॉयड इसलिए है क्योंकि वो अनस्किल्ड है. तो सेकेंड चीज़ इस पर फोकस किया गया दैट विल बी स्किलिंग. एंड थर्ड इज़ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है यू शुड फोकस ऑन बिल्डिंग योर ओन बिजनेस, यू शुड फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. एंड फोर्थ पार्ट इज़ मिडिल क्लास, जो हमें टैक्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेट्स जस्ट डिस्कस, जो हर साल के बजट में, कभी भी आप किसी साल का बजट पढ़ रहे हैं, यू शुड मेक अ फोकस ऑन दिस पार्ट ऑल्सो, कि कहाँ से पूरे साल में सरकार के पास पैसा आएगा अपना खर्चा पूरा करने के लिए और सरकार उसको कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करेगी. वहाँ से हमें हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी के बारे में पता चल जाएगा. मान लीजिए अगर सरकार ने पूरे साल में 100 रुपीज़ अर्न करने हैं तो उस 100 रुपीज़ में से 27% पैसा, या फिर अगर मैं कहूँ इसी सेंस में 27 रुपीज़ जो स्पेंड करने हैं
वो पैसा बोरोइंग या फिर अदर लायबिलिटी से आएगा। तो 27% पैसे की कमी एक तरह से हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो गवर्नमेंट को बोरोइंग से पूरी करनी पड़ती है। नेक्स्ट थिंग दैट इज इनकम टैक्स, दैट इज 19%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी दैट इज 5%, GST इज 18%, कॉरपोरेशन टैक्स इज 17%, कस्टम ड्यूटी इज 4%, एंड दीज टू थिंग्स जो हमने अभी डिस्कस करी, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट विच इज ओनली 1%, जो 1% ही है अभी तक इंडिया में। सेकेंड थिंग्स इज नॉन टैक्स रिसिप्ट, टैक्स के अलावा जो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट हैं, जो अभी कुछ टाइम से बढ़ी हैं, विच इज़ नाउ 9%। तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से सरकार को पूरा साल पैसा रिसीव होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि सरकार इस पैसे को स्पेंड कहाँ करने वाली है। उसको हम कहते हैं बजट में रुपी गोज़ टू, कि जो 100 रुपीज़, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि 100 रुपये अगर सरकार के पास आएंगे तो 100 रुपये से कितना प्रपोर्शन सरकार कहाँ पे स्पेंड करने वाली है। ठीक है, देखिए 100 रुपये में से 19% जो पैसा होगा, या 100 रुपये में मैं कहूँ 19 रुपीज़ जो होंगे, वो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट पे लगाएगी। अब इतना सारा पैसा अगर सरकार हर साल बोरो करेगी तो उसका इंटरेस्ट भी सरकार को हर साल पे करना पड़ेगा। तो 100 रुपये में से 19 रुपीज़ या फिर 19% जो पैसा होगा वो डायरेक्टली चला जाएगा इंटरेस्ट पे। बाकी के जो सरकार के खर्चे होंगे, एक है पेंशन विच इज़ 4%, अदर एक्सपेंडिचर विच इज़ 9%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। दो स्कीम्स होती हैं, एक सेंटर गवर्नमेंट की अपनी स्कीम जिसमें 100% पैसा सेंटर गवर्नमेंट डालेगी, एक वो स्कीम जो स्टेट की होगी या फिर सेंटर और स्टेट जिस अपने एक्सपेंडिचर को शेयर करेंगे। तो जो सेंटर सेक्टर की स्कीम है उसमें जाएगा 16%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जाएगा 8%। देन देर आर टू थिंग्स, फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस तो हर साल सेंटर की गवर्नमेंट टैक्सेस का जो शेयर स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, हर एक स्टेट को उसका कुछ शेयर मिलता है विच इज़ नॉट इक्वल, जिसको डिसाइड करने का काम होता है फाइनेंस कमीशन का। एंड ऑल्सो सम स्पेशल ग्रांट्स, जो इस बार की एक बहुत ही हाईलाइटेड चीज़ है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी ग्रांट्स जो लोकल बॉडीज़ को, पंचायत्स को या फिर किसी स्पेशल पर्पस के लिए दी जाती हैं, वो सारा पैसा जो है दैट इज़ 9% प्लस 21%, ये जो सारा पैसा है ये फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करेगी स्टेट्स में। इसके अलावा डिफेंस का है 8%, सब्सिडीज़ का है 6%। तो जो 100 रुपया सरकार के पास आया वो सरकार इन सब चीज़ों के ऊपर स्पेंड करने वाली है आने वाले एक साल में। तो पेपर के लिए, एक तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ करती है, सबसे कम कहाँ करती है, सबसे ज़्यादा कमाती कहाँ से और सबसे कम कहाँ से कमाती है। ये 4 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं बजट एट अ ग्लांस में, एक वी हैव अ लुक ऑन द फिगर्स, कि बजट की इस साल की फिगर्स क्या हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सरकार ने इस साल कितने करोड़ का बजट बनाया है, सो द सिंपल फिगर दैट यू आर गोइंग टू आंसर इज 48,20,512। इस साल गवर्नमेंट ने 48,20,512 करोड़ का बजट बनाया है। दिस इज़ द फिगर। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बजट में हमेशा दो चीज़ें बराबर रहेंगी, टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि अगर सरकार ने 48 लाख करोड़ का खर्चा करना है तो वो खर्चा उसको कहीं ना कहीं से पूरा करना पड़ेगा, या तो वो उतना पैसा कमाएगी या फिर वो कहीं ना कहीं से बोरो करेगी। तो सरकार का रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर जो बजट है उसमें इक्वल ही रहेगा। अब हम इसका एक बायफर्केशन चेक कर लेते हैं। अगर हम चेक करते हैं सबसे पहले रिसिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गवर्नमेंट के पास दो तरह की रिसिप्ट आएंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट का डाटा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लें तो 31 लाख करोड़। 48 लाख करोड़ में से 31 लाख करोड़ सरकार को मिलने वाला है रेवेन्यू नेचर की चीज़ों में से। अब रेवेन्यू का भी हम बायफर्केशन करते हैं टैक्स एंड नॉन टैक्स में। टैक्स नेचर का सरकार के पास आने वाला है 25 लाख, मतलब 31 लाख में से 25 लाख सरकार सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस से कमाने वाली है, जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस होंगे। नॉन टैक्स में बाकी का 5.45 लाख रुपीज़ सरकार कमाने वाली है, लाख करोड़ सरकार यहां से कमाने वाली है। तो यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि 48 लाख में से 31 लाख तो रेवेन्यू नेचर का है, तो सरकार का इंडिया में कैपिटल नेचर का रिसिप्ट बहुत ही कम होता है।
कैपिटल रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 16,91,000 करोड़ के आसपास है। तो एक बहुत बड़ा डिस्प्रोपोर्शन इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ज़्यादा पैसा हम कहाँ से कमा रहे हैं? रेवेन्यू से। और ज़्यादा पैसा रेवेन्यू में भी हम टैक्स से ही कमा रहे हैं, नॉन टैक्स का हमारे पास सोर्स अभी इंडिया में बहुत कम है। ऐसे ही सिमिलरली अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट पूरे साल में इतना ही करने वाली है, तो उसमें भी दो बाइफिकेशन आ जाएंगे, रेवेन्यू एंड कैपिटल। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो रेवेन्यू नेचर का सीधा सीधा खर्चा है सरकार का 37 लाख करोड़ का, मतलब 48 लाख करोड़ में से 37 लाख करोड़ तो सीधा सीधा सरकार रेवेन्यू नेचर का खर्चा करने वाली है, विच इज सैलरीज, पेंशन एंड ऑल दीज थिंग्स। जो बचा उसमें से 1,11,111 करोड़ सरकार स्पेंड करने वाली है कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर के ऊपर, अ वेरी हाईलाइटेड फिगर इन इंटरिम बजट ऑल्सो। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये गवर्नमेंट ने 11.1% से इंक्रीज़ किया था। जब से अमृतकाल की शुरुआत हुई है, हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है विकसित भारत के ऊपर, विकसित भारत बाय 2047। तो डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए एक प्रायर कंडीशन होती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, इनकम को जनरेट करना पड़ेगा। वो सब करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ द मेन थिंग। तो गवर्नमेंट कुछ सालों से एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ बजट बना रही है, जिसमें वो 2047 को ही विजुअलाइज़ कर रही है। तो 2047 की उस डेवलप्ड इकोनॉमी को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट हर साल अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल गवर्नमेंट ने अपना 11.11% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया था, जो अब तक का वन ऑफ द हाईएस्ट है। और बढ़ा के इस साल सरकार टोटल इतने करोड़ रुपीज़, 1,11,111 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में स्पेंड करने वाली है। बाकी जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि बजटेड वैल्यू कितनी थी और रिवाइज्ड वैल्यू कितनी है, ठीक है। यहाँ पे और हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में। फिस्कल डेफिसिट इस साल हमारा रहेगा 16,13,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। इतना फिस्कल डेफिसिट होने का मतलब है कि सरकार इतना पैसा बोरो करेगी इस साल अपना खर्चा पूरा करने के लिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट में इतने लैक्स का डिफरेंस था। यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट डेफिसिट आता है, दैट इज़ वी कॉल प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल सेंस में ये मीनिंग है कि अगर सरकार को इस साल इंटरेस्ट पेमेंट ना करनी होती तब सरकार का कितना डेफिसिट होता। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस हमारे पास निकल के आता है। सरकार की अगर आप प्राइमरी डेफिसिट के फिगर देखो, दैट इज़ अराउंड 4,50,000। तो अगर हम लगा के चलें 16 लाख अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर फिस्कल डेफिसिट, उसमें से हम माइनस कर दें अगर 4 लाख करोड़ की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो कि हमारा प्राइमरी डेफिसिट है, तो माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट बनती है दैट इज़ 12 लाख। इसका मतलब है कि 12 लाख रुपीज़ हमें इस साल सिर्फ इसलिए बोरो करने पड़े क्योंकि सरकार ने पिछले लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करना था। इतना पैसा हमें सिर्फ इसलिए बोरो करना पड़ा क्योंकि हमने पिछले साल का इंटरेस्ट पेमेंट करना था। अगर यहाँ पे भी आप इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू देखें तो इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू आपके पास अप्रॉक्सीमेटली वही आ जाएगी जो हमने कैलकुलेट की अगर आप रियल फिगर्स में निकालेंगे तो। इसका मतलब है इंडियन गवर्नमेंट को हर साल नया पैसा बोरो करना पड़ता है पिछले लोन के इंटरेस्ट को पे करने के लिए, और वो अमाउंट है इस साल के लिए अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख रुपीज़। अगर वो 12 लाख रुपीज़ इंडिया ने ना पे करने होते तो हमारी गवर्नमेंट के पास डेफिसिट सिर्फ और सिर्फ 4 लाख करोड़ के आसपास होता, जो अब हमारी गवर्नमेंट के पास 16 लाख करोड़ का है। नाउ रिलेटिंग टू दैट फिस्कल डेफिसिट ओनली, निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है जहां उन्होंने बोला कि अब इंडियन इकोनॉमी जो है वो फिस्कल डेफिसिट पे नहीं बल्कि डेट जीडीपी रेशियो पे फोकस करेगी। और इंटरिम बजट से लेकर अब तक भी हमने हमारा फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो कम कर लिया। पहले हम बात करते हैं कि आइडली होना कितना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी में अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5% के आसपास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू FRBM एक्ट, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है। और फिस्कल डेफिसिट को हम कैलकुलेट करते हैं एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी
जीडीपी, तो एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट इंडिया में 3-3.5% के आसपास होना चाहिए, लेकिन अभी इंडिया का फिस्कल डेफिसिट इज अराउंड 5.5%। तो अब हम हर साल एक टारगेट सेट करते हैं तो कि हमने कितना फिस्कल डेफिसिट अपना कम करना है। इंटरिम बजट में जो टारगेट हमने रखा था दैट वॉज 5.1%। अब इस साल के दोबारा से जो बजट आया है उसमें वो फिस्कल डेफिसिट हमने कम करके कर दिया है 4.9%। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, ये सीधा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट फॉर फिस्कल ईयर 25 कितना है। तो एट प्रेजेंट वो टारगेट है 4.9% ऑफ जीडीपी, जिसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आरबीआई का बोनेंजा डिविडेंड जो सरकार को मिला है, तो मैंने आपको बताया दैट इज़ 2.1 लाख करोड़। अगर सरकार इस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करे तो सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट या आने वाले 2-3 साल में अगर गवर्नमेंट को इतना ही डिविडेंड मिलता रहे तो आने वाले टाइम में हमारा फिस्कल डेफिसिट और भी कम हो सकता है। एवरी ईयर मिनिस्ट्रीज़ को जो पैसे दिए जाते हैं उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सबसे बड़ा शेयर लेके जाती है, विच इज़ 4,54,000 करोड़। इस पूरे बजट का 70-60% पैसा तो डिफेंस मिनिस्ट्री पेंशंस और सैलरीज में ही निकल जाता है, बाकी का पैसा डिफेंस मिनिस्ट्री कोशिश कर रही है इंडिजीनियस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के ऊपर, जैसे अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, ताकि इंडिया जो इतना ज़्यादा इंपोर्ट करता है इन चीज़ों को, वो इंपोर्ट को हम कम कर पाएँ। इसके अलावा ये बाकी मिनिस्ट्रीज़ का डाटा है जो जितना एलोकेशन जिसको दिया गया है। इस साल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भी पैसा देने वाली है क्योंकि हम एग्रीकल्चर में बहुत बड़े रिफॉर्म्स को विटनेस करने वाले हैं, पेडी कल्टिवेशन को पंजाब में कम करने की कोशिश की जा रही है और बाकी भी बहुत सारे जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, इन सब को भी ग्रूम करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनलाइज किया था, वैसा ही कुछ रेवोल्यूशन हम सेंटर लेवल पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस साल एग्रीकल्चर को भी हमने अच्छा एलोकेशन देखने को मिला है। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ केयर को भी गवर्नमेंट ने अच्छा एलोकेशन जो है वो करने की कोशिश करी है। टैक्स की अगर हम ओवरऑल बात करें तो टैक्स की एक स्लैब में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो पहले 3-6 लाख के लिए 5% था वो 3-7 लाख के लिए 5% कर दिया अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा के 50,000 से 75,000 कर दिए, जिससे अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट का कहना है कि एक एवरेज टैक्स पेयर इन इंडिया कैन सेव 17,500 रुपीज़। तो ये मेजर चेंजेस हैं जो टैक्सेशन सिस्टम के अंडर लाए गए हैं। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट ने इस साल भी कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को छोड़ के न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वो टैक्स सेविंग होगा, उसमें डिडक्शंस के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि उसमें आपको डिडक्शंस नहीं दी जाती हैं। उसमें टैक्स एग्जेम्पशन 3 लाख तक दी जाती है जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में सिर्फ 2.5 तक ही है। एंड इवन जो रिबेट दी जाती है अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम इट इज़ अप टू 5 लाख ऑफ इनकम क्योंकि डिडक्शंस मिलती हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में वो जो रिबेट है वो 7 लाख तक दी जाती है विदाउट एनी डिडक्शंस। तो वो कहीं ना कहीं जाके सेम लेवल पे कंपनसेट हो जाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। इसके अलावा इस साल का एक बहुत ही हाईलाइटेड जो चीज़ है वो है आंध्र प्रदेश को देने वाला सरकार का 15,000 करोड़ का ग्रांट। इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड है, तेलंगाना जो एक नई स्टेट बनी थी 2014 में जिसको आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, तो 2014 आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर लिखा था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आने वाले 10 साल के लिए अपनी कैपिटल को शेयर करेंगे विच विल बी हैदराबाद। अब 2024 में वो 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब आंध्र प्रदेश के पास आइडली कोई कैपिटल नहीं था क्योंकि हैदराबाद कैपिटल तो तेलंगाना के पास चला गया। तो आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू इलेक्ट होते हैं चीफ मिनिस्टर, तो वो डिसाइड करते हैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती को डेवलप करना है एज आंध्र प्रदेश का कैपिटल। अब नया कैपिटल बनाने के लिए नई लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने के लिए आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशन दिया गया है, विच इज़ ऑल्सो अ पोलिटिकल मूव ऑल्सो एंड अ नीड ऑफ द आवर ऑल्सो। सो बोथ द थिंग्स आर कंसिडर्ड हेयर। एंड ऑल्सो बिहार जो भी स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहा था उसको वो तो नहीं मिली है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको काफ़ी सारा लमसम अमाउंट हर साल डेवलपमेंट के लिए देने का वादा कर दिया, विच इज़ समवेयर ऑल्सो अ पोलिटिकल मूव बिकॉज NDA इज़ नाउ अंडर अ मैसिव कोलिजन, BJP इज़ नॉट अंडर कम्प्लीट मेजोरिटी, जिसकी वजह से अब उनको अपने कोलिजन गवर्नमेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बजट 2024। इसमें बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई थी जो आपको टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स में भी मिलती रहेंगी। उन स्कीम्स को फॉलो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि पूरा साल उन्हीं स्कीम्स के अपग्रेडेशन आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। फॉलो अस ऑन आवर YouTube चैनल।